संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन मोदी सरकार और विपक्षी दलों की ओर से सियासी बिसात बिछने लगी है। सत्र से पहले ही फेसबुक को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। इसके अलावा कांग्रेस चीन से चल रहे तनाव, खासकर लद्दाख के गलवान में हुए संघर्ष में 20 सैनिकों की शहादत पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। इस बीच कांग्रेस सांसद और संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। थरूर ने दुबे पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में निशिकांत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और थरूर के खिलाफ जवाबी विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। थरूर ने फेसबुक को समिति की ओर से नोटिस भेजने की बात कही थी। इस पर निशिकांत ने कहा था कि समिति के अध्यक्ष को सदस्यों के साथ एजेंडे पर चर्चा किए बिना कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। इस पर थरूर का कहना था कि ऐसा कहकर दुबे ने समिति और संसद की गरिमा गिराई है। राहुल और थरूर के खिलाफ जवाबी नोटिस देते हुए दुबे ने कहा कि यह पहला मामला है जब संसदीय समिति के अध्यक्ष ने अपने साथी सदस्य के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने अपने नोटिस को उचित ठहराते हुए कहा कि थरूर और राहुल ने भाजपा पर गलत आरोप लगाए हैं। भाजपा पर आरोप का मतलब उसके सभी सांसदों पर आरोप लगाना है। इस बीच मॉनसून सत्र के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। सूत्रों का कहना है कि सत्र 2 हफ्ते का होगा और 10 सितंबर तक शुरू हो सकता है। कोरोना महामारी के चलते सत्र के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कई तैयारियां की गई हैं। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा की बैठक न सिर्फ अलग अलग समय पर होगी, बल्कि बैठक के दौरान दोनों सदनों का उपयोग किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।